वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज तुहाडे नाल गुरु साहब दे एक चमत्कार दी गल करांगे। शायद उस उपर तुहानू यकीन ना होवे। अपना चैनल दे सबसक्राइब मतलब अपना परिवार हुण 1.25 लाख पार कर गया है। उस दे लई तुहाडा सब दा दिल तो धन्नवाद करदे हां। अगे भी एदां ही प्यार दिंदे रहो। संगत जी, वीडियो नू लाइक ते कमेंटां दे विच वाहेगुरु लिख के अपनी हाजरी जरूर लगवाना। तुहाडे नाल हुण सच्ची कथा सांझी कर लैंदे हां। अज एक अजिही सच्ची घटना तुहानू दसण जा रहे हां। जिवें गुरु साहिब ने नवजम्मे बच्चे दी रख्या करके सब नू हैरान करके रख दिता। एह घटना बठिंडे दे रहण वाले मनप्रीत कौर जी दी है। मनप्रीत कौर ने दस्या कि गुरु साहब जी दी किरपा नाल मेरी जिंदगी बहुत वधिया चल रही सी। पसंद दे व्यक्ति नाल व्याह होया। व्याह तो 2 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। असी ते परिवार वाले सारे खुश सी, पर अगे जो साडे नाल होण वाला सी उस बारे असी कदे सोचा भी नहीं सी। डिलवरी दे 2 महीने तो बाद मेरे कान दे नीचे ट्यूमर हो गया। असी डॉक्टर नू विखाया। डॉक्टर ने कहा कि यह साधारण ट्यूमर है, दवाई खान तो बाद ठीक हो जाएगा। मैं कुछ टाइम दवाई खाई अते ओह ट्यूमर ठीक भी हो गया। अते दूजी साइड मेरा बच्चा बाकी बच्चों के नालों अलग अलग रहा सी। 6 महीने तो बाद बच्चे बैठन लग जाते ने, पर मेरा बेटा तो अपनी गर्दन की संभाल नहीं रहा सी। सानू सारे नू उसकी फिक्र हो रही सी। असी डॉक्टरां नू दिखाया। बहुत डॉक्टरां ने जवाब दे दिता। किसी ने सानू मुंबई दे विच एक डॉक्टर बारे दस्या जो कि न्यूरोलॉजी सी। असी उन्हां दे कोल गए ते उन्हां ने साडे बच्चे दी ब्रेन दी MIR करन बारे कहा। जदों रिपोर्ट आई तां साडे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई। जदों डॉक्टर ने रिपोर्ट दे विच कहा कि तुहाडा बच्चा अलग नॉर्मल है अते ओह कदे भी बैठ ते चल नहीं सकेगा। एह सुन के मेरा दिमाग सुन्न हो गया सी। सानू कुछ भी पता नहीं लग रहा सी कि असी की करिए। डॉक्टर ने सानू फिजियोथेरेपी करन दी सलाह दिती। असी फिजियोथेरेपी शुरू करवा दिती अते साडा एक एक पल टेंशन दे विच गुजर रहा सी। साडे उत्ते तां दुखां दा पहाड़ टुट गया सी। अचानक ही मेरे गले दे विच ट्यूमर फिर होना शुरू हो गया। असी डॉक्टर नू दस्या अते उन्हां ने सानू टेस्ट करवाउण दे लई भेज दिता। जदों मेरी रिपोर्ट आई तां पता लग्या कि मैनू TV है। असी उदों ही इलाज शुरू करवा दिता। 2 साल बीत गए, ना तां मेरा बच्चे नू कोई फर्क पिया अते ना ही मेरी बीमारी ठीक हुई। मेरे पति अते मेरे परिवार वालिया ने मैनू बहुत सहारा दिता। डॉक्टर ने मेरे बच्चे दे बारे दस्या जेकर ओह 3 साल तो पहला खुद उठ के नहीं बैठा तां ओह कदे भी चल नहीं सकेगा। फिर साडे घर एक दिन महापुरश आए। वैसे तां ओह पहला भी कई बार आउंदे रहिंदे सी, पर एह थोड़े अलग महापुरश जी लग रहे सी। उन्हां ने मेरे पति दे नाल गल कीती अते मेरे पति ने उन्हां नू सारी गल दसी। महापुरश जी ने मेरे पति नू एक जाप माला दिती अते कहा कि अपनी पत्नी नू कहना अपने बच्चे दे कोल बैठ के 40 दिन मूल मंत्र दा जाप करन, वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी दोनों नू ठीक कर देंगे। मेरे पति ने महापुरशां दी कही हुई गल नू मैनू दस्या। मेरी खुद तबीयत खराब सी, पर मैंने फिर भी मूल मंत्र दा 40 दिन जाप किया ते नाल दी नाल मेरा बच्चे नू डॉक्टर द्वारा दसी गई एक्सरसाइज भी करवाई। एक दिन ओह मेरे कोल ही खेड रहा सी। मैं ओनू कहा कि बेटे चलो उठो, तां ओह उठ के बैठ गया। मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी। मैं फिर उसनू लिटा दिता ते फिर बैठन लई कहा। ओह फिर तो उठ के बैठ गया। इदा मैं 4-5 दिन किता, ओह अपने आप ही उठ के बैठन लग्या अते अपने आप ही लेटन लग्या। एह देख के साडी खुशी दा कोई टिकाणा नहीं सी।
मेनू पता सी कि यह सब गुरु साहब की कृपा दे नाल ही होया है। मेरा ट्यूमर भी बिल्कुल खत्म हो चुका सी। डॉक्टर ने मेनू कहा कि हुण तुहानू दवाई खाण की कोई जरूरत नहीं। मैं भी गुरु साहब नू हमेशा अपने आस पास ही महसूस करती हाँ अते मेनू विश्वास है कि गुरु साहब की कृपा राही ही मेरा बच्चा अते मैं ठीक हुई हाँ। इस तरह की वीडियो देखने दे लई साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते वीडियो नू वद तो वद शेयर जरूर करियो। कमेंटा दे विच वाहिगुरु लिख के अपनी हाजरी जरूर लगवाओ। नवी वीडियो लैके जल्दी ही आवांगे। उदों तक दे लई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।